Hello students, good morning. As you know, lesson number 5, more on numbers is going on. So today I am going to explain this topic, extended form of numbers. Okay, तो बच्चों आप लोगों ने lesson first में भी इस topic के बारे में पढ़ा है और उससे related question भी किया है. तो आज हम लोग फिर इस topic को lesson 5 में पढ़ेंगे और उससे related question भी करेंगे. Clear? So let's read this sentence. The expanded form of a number is found by adding up the place values of all its digits. Let us look at the number 743. Okay, so हमें expanded form को समझने के लिए इस 743 number की help लेनी पड़ेगी. Okay, तो चलिए हम इस number की help से एक्सपेंडेड फॉर्म को जानते हैं. तो हमें एक एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे मिलेगा, जब हम इस नंबर के डिजिट्स को इस नंबर के डिजिट को इसकी प्लेस वैल्यू इस नंबर के डिजिट की प्लेस वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमें एक्सपेंडेड फॉर्म मिलेगा. क्लियर? तो देखिए ये 3 जो है वंस प्लेस पे है. ओके, तो 3 जो है वंस प्लेस पे है तो वंस प्लेस की क्या वैल्यू होती है, 1 होती है. तो 3 जो है 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ किसके इक्वल हुआ, 3 के. 4 जो है टेंस प्लेस पे है तो टेंस की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 10 होती है. तो टेंस प्लेस पे जो भी नंबर होगा वो 10 से मल्टीप्लाई होगा ना. तो टेंस प्लेस पे 4 है तो 4 जो है 10 से मल्टीप्लाई होके इक्वल टू कितना होगा, 40. ओके, 7 किस प्लेस पे है, ये हंड्रेड्स प्लेस पे है. क्लियर? तो जो भी डिजिट हंड्रेड प्लेस पे होगा वो 100 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि हंड्रेड्स प्लेस की वैल्यू क्या है, 100 होती है. 100 ये 100, तो 7 जो है 100 से मल्टीप्लाई होगा और किसके इक्वल हो जाएगा, 700 के. ओके, तो इसके बाद क्या होगा, ये इनके प्लेस वैल्यू को ऐड किया जाएगा. क्लियर? तो ये जो है 700 है, इनकी प्लेस वैल्यू को ऐड करेंगे तो 700 प्लस 40 प्लस 3, 700 प्लस 40 प्लस 3. ओके, तो इनके प्लेस वैल्यू को हमने ऐड किया. क्लियर? तो जो हमने ऐड किया वो हमारे क्या हुआ निकला, वो हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म हुआ. ठीक है, तो इसे हम एक्सपेंडेड फॉर्म बोलेंगे. ओके, तो अगर कभी भी किसी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में कन्वर्ट करने को बोला जाएगा, ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म बनाने को बोला जाएगा तो आप क्या करोगे, यहाँ पे मतलब दूसरा नंबर ले लो आप, 621 है. क्लियर? तो आप देख रहे हो इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे. तो 6 जो है किस प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है. 2 जो है टेंस प्लेस पे है और ये 1 प्लेस पे है. ठीक है, 1 वंस प्लेस पे है, 2 टेंस प्लेस पे है और 6 जो है 100 प्लेस पे है. तो हम इसके इस डिजिट के प्लेस वैल्यू को हम ऐड करेंगे. क्लियर? तो 6 जो है 100 प्लेस पे है तो 6 जो है किससे मल्टीप्लाई होगा, ये हाँ 100 से मल्टीप्लाई होगा. 6 मल्टीप्लाई बाई 100 क्योंकि 6 जो है 100 प्लेस पे है तो 6 मल्टीप्लाई बाई 100 इक्वल टू 600. ओके, तो हमने इसको यहाँ रखा 600 प्लस 2 जो है टेंस प्लेस पे है तो 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 10 से. इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 2 की, 10 है. तो 2 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल टू 2 10 20. ओके, 1 जो है 1 प्लेस पे है तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 1 है. तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 1 1 जा 1. ओके, तो 2 को जो हम 600 के बाद रखेंगे, 600 प्लस 20 प्लस 1. ठीक है, तो इस नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हुआ, ये 600 प्लस 20 प्लस 1. ठीक है, अगर किसी भी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में बोला जाए लिखने के लिए तो हम इस तरह लिखेंगे. कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, शॉर्ट फॉर्म इन ब्रैकेट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नंबर्स.
तो शॉर्ट फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म एक ही होता है, क्लियर। सो लेट्स रीड द सेंटेंस। द स्टैंडर्ड इन ब्रैकेट शॉर्ट फॉर्म ऑफ नंबर इज गिवन बाय कंबाइनिंग द फेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। तो यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म के बारे में क्या बता रहा है कि जो डिजिट होती है, जो हर एक डिजिट होती है उसके फेस वैल्यू को क्या किया जाता है, यहाँ पे कंबाइन किया जाता है। तो उसकी हेल्प से क्या मिलता है, शॉर्ट फॉर्म मिलता है, शॉर्ट फॉर्म मिलता है। क्लियर। आप देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे जितने भी हैं फेस वैल्यू है, ओके, हर डिजिट की जो फेस वैल्यू है उनको क्या किया जा रहा है, कंबाइन किया जा रहा है। क्लियर। तो हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक शॉर्ट फॉर्म मिल रहा है, ओके। तो आप देखिए 600 प्लस 20 प्लस 9 इनके फेस वैल्यू को ऐड किया जा रहा है। सो 0 प्लस 0 प्लस 9 9, 0 प्लस 2 2, 6 6, ओके। तो यहाँ पे भी देखिए 600, ओके, 6 द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज 100, 220 द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 10, 9 द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज 1s, वही है 9 जो है 1s प्लेस पर है, ओके, 2 जो है 10s प्लेस पर है और 6 100 प्लेस पे है, ओके। आप देख रहे हो इन जो एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म की जो नंबर हैं, ओके, इन नंबर्स को क्या किया गया है, ऐड किया गया है यहाँ पे। चाहे आप कह लो हर एक डिजिट को, हर एक डिजिट के फेस वैल्यू को कंबाइन करके मिलता है हमें शॉर्ट फॉर्म, या फिर एक्सपेंडेड फॉर्म के जो नंबर होते उन डिजिट को ऐड करके हमें एक शॉर्ट फॉर्म मिलता है। क्लियर। सिमिलरली, ओके, सो इसी तरह का हम फिर से कुछ एग्जांपल देखते हैं। सो यहाँ पे ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, ठीक है। तो इन नंबर्स को हम ऐड करेंगे, ओके, तो इन नंबर्स को ऐड करने के बाद हम पाएंगे शॉर्ट फॉर्म में। तो देखिए 900 प्लस 60 प्लस 0, ओके, ये रखा, ये जो है 0 जो है कहाँ पे है, ये 1s प्लेस पे, 1s कॉलम में, ठीक है, 1s कॉलम पे, ये 0 10s कॉलम में, तो यहाँ पे T लिखा, ये 9 जो है 100s कॉलम में, यहाँ पे H लिखा, ओके। तो हमने इसको ऐड किया, इधर कॉलम ड्रॉ करेंगे, ओके, ये हो गया। अब चलिए ऐड करते हैं, 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 प्लस 6 6, ओके, 9 9, तो 960 आया। इन तीनों को ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा शॉर्ट फॉर्म होगा, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे इसको भी इन तीनों को ऐड कर लिया गया, तो किसके इक्वल हुआ, 795 के। इन तीनों को, इन तीनों नंबर्स को ऐड किया तो किसके इक्वल हुआ, 271, ठीक है। इस एक्सपेंडेड फॉर्म के नंबर्स को ऐड करने के बाद जो नंबर आता है, जो आंसर आता है, उसको हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, हमारा शॉर्ट फॉर्म, और ये जो है हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म है। क्लियर, समझ में आया। अगर एक्सपेंडेड फॉर्म पूछता है इस नंबर का, तो हम इसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे तो ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। अगर इसको पूछता है कि इसको कन्वर्ट कीजिए शॉर्ट फॉर्म में, तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा शॉर्ट फॉर्म बन जाएगा। क्लियर, तो समझ में आ गया शॉर्ट फॉर्म ऑफ एंड एक्सपेंडेड फॉर्म। विद द होमवर्क, आपको होमवर्क में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 का एफ क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, बुक में ही सॉल्व एंड बुक। सो आपको नंबर्स यहाँ पे फिल करने हैं। सो 951 से स्टार्ट करना है और एंड कहाँ पे करना है आपको, 1000 पर, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर फिल करेंगे आप, 951 से लिखना स्टार्ट करेंगे और 1000 पर इसको स्टॉप करेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, ओके, आप इसे बुक में सॉल्व करेंगे।